आज की सुबह हो चुकी है हमारी ब्रह्मसर, हमारी यात्रा का है दूसरा दिन। अभी उठे हैं सभी, कोई फ्रेश हो रहा है, कोई नहाने के लिए पानी का जुगाड़ कर रहा है। ये हमारे मोहन भाई जो सारी रात इन्वर्टर के पास बैठे रहे, खुद को चार्ज कर रहे थे। ये पवन भाई जो बैटरी के लिए अब लड़ रहे हैं, और वो भी हमारे दीपक भाई, ये मोल्डी भाई, रविंदर भाई जी, और ये हमारी टीम के नटखट शेर जो छल्ली हो गए हैं। तो अभी सभी उठे हैं तो तैयार होते हैं, मिलते हैं आपको तैयार होने के बाद, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो शायद थोड़ा आगे जाएं, तो जहाँ भी व्यवस्था होगी आपसे मिलते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही था कि रास्ते के अंदर भंडारों की सुविधा बहुत कम है, हम लोग एक ढाबे पे रुके चाय पी, वह हमारे किसी परिचित को पल्लू से बुलाया, वो हमें लेके जा रहे हैं किसी धर्मशाला के अंदर, जान नहाने की और रहने की अच्छी व्यवस्था है, वहाँ चल के नहाते हैं और फिर चलते हैं आगे, क्योंकि हमें ध्वजा भी अभी लेनी है 1 घंटे तक। तो 1 घंटे के अंदर नहा कर तैयार होकर फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों सभी हम लोग नहा धो के हो चुके हैं तैयार, जय दुर्गा ब्राह्मणी धर्मशाला बठिंडा की तरफ से जो पल्लू के अंदर बनाई गई है, वहाँ सब रुके नहाए धोए तैयार हुए, अब चलते हैं आगे, ध्वजा लेते हैं अपने साथियों से। ये हमारे राठौड़ भाई जिनकी वजह से हमें धर्मशाला मिली, ये विकास जी, लेकिन इनका भी सहयोग रहा कि इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक अच्छे से कॉम्प्लेक्स की। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं आगे ध्वजा के लिए, ध्वजा लेते हैं और फिर आगे करते हैं इंजॉय। ये हमारे पुलकित भाई जो कि समोसे के साथ रोटी खाते हैं, क्या कभी आपने देखे ऐसे भाई? के साथ भी रोटी खाता हूँ और मैं पोहे के साथ भी खाता हूँ। भाई को रोटी खानी है चाहे कुछ भी हो साथ में। दोस्तों चाय पीने और समोसा खाने के बाद हम लोग चल पड़े हैं ध्वजा की ओर। ये पवन भाई आप देख सकते हो कैसे गाड़ी के ऊपर लटके हुए हैं, साथ में है मोहन भाई जिनको वह जगह नहीं दे रहे, इधर दीपक भाई, और ये हमारे पंडित जी, पंडित जी, और ये हमारे भाई, भाई आपका नाम दीपक, दीपक भाई। तो चलते हैं ध्वजा के पास, मिलते हैं आप, मिलाते हैं आपको रात वाली टीम को, देखते हैं उनकी हालत कैसी है। आप दोस्तों अभी आप लोगों ने देखी बाबा श्याम की एक बहुत ही मनमोहक झांकी जो कि एक जीप के ऊपर बनाई हुई थी, वह झांकी जा रही है एक डाक ध्वजा जो कि खाटू श्याम जी जाएगी सालासर से लगभग 125 किलोमीटर आगे। हम लोग भी इस टाइम सरदार शहर से लगभग 35 किलोमीटर पीछे हैं। हमारी यात्रा वैसे तो बिल्कुल रूटीन के अंदर चल रही है, वैसे हमें थोड़ा धीरे जाना है कि सरदार शाह सालासर का मंदिर सुबह 8 बजे खुलता है, रात को आजकल बंद रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे करते हैं एंजॉय। वैसे अभी पांडे भाई हमारे पानी भर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पानी ख़त्म हो चुका है। कोई भक्त नहीं है ऐसा मेरे पल्लू के जैसा,
दोस्तों समय आ रहा है करीब शाम के 4:40 हम लोग पहुंच चुके हैं सरदार शहर। हाईवे का काम प्रोग्रेस के अंदर है, हाईवे काफ़ी जगह से उखड़ा हुआ है लेकिन फिर भी हौसला है कि ये लोग हाईवे बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारी त्वचा अपने रूटीन के बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है। वैसे जब हम किसीमपुर से चले थे 2 घंटे लेट थे लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ बिल्कुल अपने एक्यूरेट टाइम के ऊपर है। मस्ती करते हुए जा रहे हैं, रास्ते में डांस किया, खाटू श्याम जी की बहुत ही भव्य झांकी थी वो देखी, उनके साथ चले थोड़ा सा, काफ़ी इंजॉयबल ये हमारे लिए सफ़र, कोई थकावट नहीं थी, खास फील हो रही कोई कुछ नहीं। और पांडे भाई ड्राइविंग को इंजॉय कर रहे हैं, पांडे भाई रास्ते में चलते भी रहते हैं साथ साथ, यानी कि कुल मिला के ये काफ़ी अच्छी हमारी राइड रही। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि सरदार शहर एक कम मंदिर है, वैसे वो मंदिर हम कल वापसी में देखें लेकिन आज आपको उसको बाहर से दर्शन करवाएंगे। हाँ तो भाई समय आ रहा है करीब शाम के 6, हम लोग पहुँच चुके हैं इच्छापुर बालाजी मंदिर सरदार शहर। बाकी साथ ही यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर आगे खड़े हैं, लगभग 1.5 घंटा है हमें लगेगा उन तक पहुँचने के लिए। वहाँ चलते हैं, उनको ध्वजा स्पुर्द करते हैं और हम लोग करेंगे फिर रेस्ट, सुबह फिर से उनसे ध्वजा लेंगे और करेंगे बालाजी के दर्शन आपको करवाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये हमारे पुलकित भाई जो पकोड़े ना मिलने की दशा में बहुत ही नाराज, इनके लिए स्पेशल भाई लेके आए हैं। भाई कोई बात नहीं भाई, आपको पकोड़े जरूर खिलाएंगे हम, थोड़ा वेट कीजिए। जय बाबा की भक्तो। नमस्कार सचिन जी, कैसे हो? नमस्कार जी, नमस्कार। We'll be right back.
गाइस हम लोग अभी रुके हुए हैं सदाबहार होटल नियर टोल प्लाजा रतनगढ़। हमने यहाँ पे अपनी दाग ध्वजा को शिफ्ट कर दिया है नाइट वालों के पास। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे सालासर, नाइट स्टे हमारा सालासर रहेगा। सुबह उठेंगे नहा धोकर चलेंगे वापस ध्वजा के पास आएंगे, ध्वजा लेंगे और बाकी टीम तब नहाई धोएगी, उसके बाद सभी एक साथ चलेंगे बाबा के दरबार। तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद सालासर धर्मशाला में। तो गाइस समय आ रहा है करीब रात के 11:30, हम लोग पहुंच चुके हैं सालासर धर्मशाला की एंट्री हो चुकी है। रूम हम लोगों ने ले लिया है, हम लोग इस रूम के अंदर चार बंदे हैं, बाकी सारे हॉल के अंदर। तो मिलेंगे अब उनसे सुबह अपने अगले ब्लॉक के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।